इंडिया में प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट पिछले 5 सालों में करीब 6.5% की रेट पे ग्रो करता आया है और इसी कारण से हमने इस सेगमेंट में कई सारी कंपनी से काफ़ी सारे नए नए मॉडल्स देखे हैं। लेकिन अगर आप याद करें तो एक्चुअली में हैचबैक सेगमेंट में प्रीमियम वर्ड डालने वाली पहली गाड़ी थी हुंडई की i20 और उसके बाद से अपने वेरियस नेक्स्ट जनरेशन्स और अपडेट्स के साथ i20 हमेशा अपने सेगमेंट में वन ऑफ द टॉप सेलिंग कार्स रही है। लेकिन अब काफ़ी टाइम से लोगों को इंतज़ार था ऑल न्यू हुंडई i20 का, जो कि आज हमारे साथ है। तो क्या चेंजेस हैं इस गाड़ी के अंदर कंपेयर टू इसका पुराना मॉडल एंड कंपेयर टू इसके कॉम्पिटिशन से, क्या इसमें इम्प्रूवमेंट्स हैं, क्या इसमें मिसेज हैं और फाइनली आपको क्या क्या सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स इस गाड़ी में मिलते हैं, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा अगले कुछ मिनटों में। अब नई i20 के बारे में सबसे पहले बात करते हैं इसके डिज़ाइन की, और जैसा कि आप देख सकते हैं ये ऑल न्यू i20 है और इसके डिज़ाइन को भी ऑल न्यू ट्रीटमेंट दिया गया है। अब i20 शुरुआत से काफ़ी स्पोर्टी और शार्प डिज़ाइन वाली गाड़ी रही है और ये सेम ट्रीटमेंट आपको इस नई ऑल न्यू i20 में भी देखने को मिलेगा। अब आप देख सकते हैं, अगर आप फ्रंट की बात करें पहले, तो यहाँ आपको बहुत ही एक वाइड और स्पोर्टी इफेक्ट के साथ ब्लैक एंड आउट ग्रिल मिलती है। अब ये वेरिएंट है टर्बो पेट्रोल वेरिएंट, इसलिए इसकी ग्रिल का डिज़ाइन थोड़ा अलग है, लेकिन अगर आप दूसरा वेरिएंट चूज़ करते हैं तो उसमें ग्रिल का डिज़ाइन हल्का सा डिफरेंट होगा, लेकिन सेम ब्लैक थीम रहेगी, यानी कि एक स्पोर्टी इफेक्ट बरकरार रहेगा। इसके अलावा ये जो नीचे आप ब्लैक स्पॉइलर का इफेक्ट देख रहे हैं, ये भी आपको सारे वेरिएंट्स में मिलेगा, ये सिर्फ टर्बो वेरिएंट पे ही लिमिटेड नहीं है। अगर आप हेडलैम्प्स की बात करें तो काफ़ी स्लीक LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हैं यहाँ पे, साथ ही साथ आपको नीटली इंटीग्रेटेड LED DRLs भी मिलते हैं। और यहाँ पे अगर आप फॉग लैम्प की हाउसिंग देखें, काफ़ी स्टाइलिश तरह से एक ट्राइंगुलर डिज़ाइन में यह पैकेज करी गई है। अगर आप बोनेट की बात करें तो एक फॉरवर्ड फेसिंग और एक स्लोपिंग बोनेट है, और इस पर अगर आप कैरेक्टर लाइंस भी देखेंगे तो काफ़ी प्रोनाउंस्ड और काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इससे गाड़ी को स्पोर्टीनेस के साथ साथ एक थोड़ा मस्कुलर एटीट्यूड भी मिलता है, और आई एम श्योर ये डिज़ाइन इसी कारण से काफ़ी सारे इंडियन यंग बायर्स को स्पेशली बहुत अपील करेगा। अब इससे पहले कि हम डिज़ाइन की बात करें कि साइड में क्या क्या चेंजेस है, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा जो कि इस सेगमेंट में काफ़ी यूनिक करी गई है नई i20 में। यूजुअली हमने देखा है प्रीमियम गाड़ियों में, अगर आप हेडलाइट्स को देखें या टेल लैम्प्स को देखें, तो उस पर गाड़ी के मॉडल की या गाड़ी की यानी कि कंपनी की ब्रांडिंग होती है, क्योंकि ये यूजुअली प्रीमियम एक इफ़ेक्ट देता है, एक लग्जरी कार्स में यूजुअली देखा जाता है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं हुंडई ने भी ये पहली बार सेगमेंट में ये i20 ब्रांडिंग हेडलैम्प के अंदर दी है, साथ ही साथ आपके यहाँ पे लोअर पार्ट में साइड पे दी गई है, और टेल लैम्प्स में भी आपको i20 ब्रांडिंग मिलेगी, जो कि क्लियर करती है कि हुंडई i20 को एक पहले से बहुत ज़्यादा तरह से एक प्रीमियम ब्रांड की तरह इस्टेब्लिश करना चाह रही है। उसके अलावा अगर हम डिटेल्स की बात करें तो यहाँ पर आपको बहुत ही बढ़िया शानदार डिज़ाइन वाले ये डायमंड कट एलॉय व्हील्स मिलते हैं, ये 16 इंच के एलॉय व्हील्स हैं और इस पर 195 सेक्शन के टायर्स लगे हैं, जिसका मतलब है कि व्हील्स का जो साइज़ है काफ़ी अच्छा है और व्हील आर्चेस के और टायर के बीच में ज़्यादा गैप नहीं रहता, तो उससे एक जो स्पोर्टी इफ़ेक्ट है गाड़ी का वो बना रहता है। साथ ही साथ जब आप गाड़ी को स्पेशली पीछे से देखेंगे तो टायर की विड्थ काफ़ी अच्छी दिखती है, उससे गाड़ी का स्टैंस जो है वो काफ़ी बढ़िया और प्लांटेड दिखता है, जो कि इसके स्पोर्टी डिज़ाइन के साथ काफ़ी बढ़िया तरह से जेल करता है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे साइड पे, यहाँ पे आप ये ब्लैक एंड आउट डुअल टोन रूफ और साथ ही साथ ये यहाँ पे लोअर पार्ट भी ब्लैक किया हुआ है, तो जब आप ये कॉम्बिनेशन देखते हैं ये पूरे एक साइड प्रोफाइल को एक काफ़ी फ्री फ्लोइंग शार्प और स्पोर्टी इफ़ेक्ट देता है। अगर आप और पीछे देखेंगे तो यहाँ पे जो आप पूरी बेल्ट लाइन है वो क्रोम में करी गई है, जो कि पूरे डिज़ाइन को एक जो ब्लैक की मोनोटनी है उसको ब्रेक करती है, साथ ही साथ में एक प्रीमियम क्वेश्चन को भी काफ़ी बढ़िया तरह से एनहेंस भी करती है। उसके अलावा जो मेरा पसंदीदा पार्ट है इसके डिज़ाइन में जो रेयर में है, वो है इसके ये बहुत ही बढ़िया दिखने वाले जेड शेप
टेल लैंप्स। अब स्पेशली अगर आप इसको डार्क में देखेंगे तो इसका लाइटिंग इफेक्ट काफ़ी अट्रैक्टिव है। साथ ही साथ आप देखें फ्यूल फ्लैप जो है उसको कितनी नीटली टेल लैम्प की ही क्रीजेस के साथ इंटीग्रेट किया गया है ताकि वो डिज़ाइन की सिमेट्री को बिल्कुल भी ख़राब ना करे। साथ ही साथ आपको यहाँ पे ये बहुत बढ़िया नीटली इंटीग्रेटेड स्पॉइलर भी मिलता है। और अगर आप इसके सी पिलर के आसपास देखेंगे और यहाँ पे भी एक साइड यहाँ पे आपको एक स्पॉइलर इफेक्ट दिया गया है जो कि इन्हेंस्ड स्पोर्टीनेस के लिए है। तो यानी कि अगर आप पूरा साइड प्रोफाइल और फ्रंट जो हमने अभी तक देखा हर एंगल में आपको शार्प लाइन्स क्रीजेज और काफ़ी सारा डायनेमिज्म और स्पोर्टीनेस देखने को मिलता है। अब अगर रियर की डिज़ाइन की बात करें हम ऑल न्यू i20 में आप देखेंगे जैसे कि फ्रंट और साइड में शार्प डिज़ाइन बहुत सारी कर्व्स और एजेस दी गई हैं उसी तरह से यहाँ पे भी आप देखेंगे टेल लैम्प अगेन काफ़ी एक डिफरेंट डिज़ाइन दिया गया है। वो पहले विड्थ उसकी धीरे धीरे नैरो होती जाती है दोनों साइड से और बीच में क्रोम एक बहुत लंबी स्ट्रिप यूज़ करी गई है दोनों को एक कनेक्टिंग इफेक्ट देने के लिए। इससे थोड़ा सा गाड़ी की विड्थ भी लगता है कि जितनी है उससे थोड़ी सी ज़्यादा लगती है। अब जहाँ की एलिमेंट्स ये बहुत बढ़िया हैं ये दिखने में भी टेल लैम्प्स बहुत अच्छी हैं। एक चीज़ जो पर्सनली मुझे लगता है थोड़ी सी बेटर करी जा सकती थी खासकर कम से कम टर्बो पेट्रोल वेरियंट्स के साथ वो ये है कि ये थोड़ा क्रोम यहाँ पर ज़्यादा लग रहा है और ये शायद ब्लैक से रिप्लेस हो सकता था लेकिन ये मेरा ही मानना है डिज़ाइन सब्जेक्टिव होता है और ज़्यादातर इंडियंस को क्रोम बहुत पसंद है तो आई एम श्योर कि ज़्यादातर लोगों को इससे कंप्लेन नहीं होगी। उसके अलावा अगर आप ओवरऑल टेलगेट या बम्पर का डिज़ाइन भी देखें वो भी काफ़ी शार्प और काफ़ी प्रोनाउंस्ड है और साथ ही साथ यहाँ पर आपको ये डिफ्यूज़र इफ़ेक्ट भी मिलता है जो कि इसकी ओवरऑल स्पोर्टीनेस को काफ़ी बढ़ाता है। अब ये सिर्फ टॉप वेरियंट पेट्रोल जो टर्बो इंजन है उसी के लिए लिमिटेड नहीं है। अगर आप दूसरा भी वेरिएंट यानी कि दूसरे इंजन पे भी जाते हैं तब भी आपको ये जो डिफ्यूज़र इफ़ेक्ट है ये आपको मिलेगा और मेरे ख्याल से ये एक बहुत स्मार्ट डिसीजन लिया है हुंडई ने ऑल न्यू i20 के लिए क्योंकि जनरली हम देखते हैं कि जो एकदम जो स्पोर्ट्स मॉडल होगा या फिर जो टर्बो पेट्रोल के साथ जो टॉप वेरियंट होगा उसी में ये इफ़ेक्ट दिए जाते हैं बाकी कस्टमर्स को वो स्पोर्ट इफेक्ट नहीं दिया जाता लेकिन इस गाड़ी के साथ वो सब आपको मिलेगा चाहे आप दूसरा वेरिएंट भी खरीदें। सो ओवरऑल अगर आप एक समरी की बात करें इसके डिज़ाइन की मेरे ख्याल से हुंडई की नई i20 बहुत ही बढ़िया गाड़ी है दिखने में। ये एक शार्प गाड़ी है स्पोर्टी गाड़ी है काफ़ी दिखने में एनर्जेटिक और यूथफुल है और इसी कारण से ये यंग बायर्स को काफ़ी अट्रैक्ट करेगी क्योंकि उनकी थॉट प्रोसेस से उनकी एक्सपेक्टेशन से ये बहुत जल्दी कनेक्ट करेगी और हमारा देश वैसे भी आज की तारीख में ज़्यादातर यंग बायर्स का देश है और इसी कारण से जहाँ तक ऑल न्यू हुंडई i20 की बात है डिज़ाइन के मामले में आई थिंक ये गाड़ी एक कंप्लीट विनर है। नई हुंडई i20 पुराने मॉडल से लंबी भी है उससे चौड़ी भी है और साथ ही साथ इसका व्हील बेस भी लंबा है। तो जब आप गाड़ी के अंदर आते हैं इसका फ़ायदा आपको क्लियरली नज़र आता है क्योंकि आपको मिलती है ज़्यादा स्पेस और एक ज़्यादा खुला हुआ माहौल कैबिन के अंदर। अब उसके अलावा अगर आप बात करें यहाँ पे डैशबोर्ड के डिज़ाइन की तो इसका डैशबोर्ड का डिज़ाइन काफ़ी यूनिक है। इस सेगमेंट में आपको एक फ्री फ्लोइंग डिज़ाइन मिलता है पूरा और AC वेंट्स इसी के अंदर इंटीग्रेटेड हैं तो उस कारण से एक सिमेट्री बहुत बढ़िया बनी हुई है इस डिज़ाइन में। और साथ ही साथ अगर आप इसको कंबाइन करेंगे स्टीयरिंग व्हील से तो ये एक जर्मन लग्जरी कार के डिज़ाइन से काफ़ी सिमिलर है और अगर आप गेस कर सकते हैं वो कौन सी गाड़ी है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देखते हैं आप में से कितने लोग सही जवाब दे पाते हैं। अब अगर हम टच स्क्रीन की बात करें तो यहाँ पर आपको एक 10.25 इंच का कलर टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। अब ये ब्लू लिंक के साथ इक्विप्ड आता है जो कि हम बाकी दूसरी हुंडई की कार में देख रहे हैं जिसका मतलब ये है कि ये गाड़ी एक फुल्ली कनेक्टेड कार है और अपने सेगमेंट में फिर से ये एक फर्स्ट है यानी कि फुल्ली कनेक्टेड पहली ये प्रीमियम हैचबैक है। और इसका फ़ायदा ये है कि इसमें आपको करीब 50 फीचर्स मिलते हैं जो इसके सिम के थ्रू और इंटरनेट के थ्रू यूज़ होते हैं जिसमें से ज़्यादातर आप अपने स्मार्टफोन से यूज़ कर सकते हैं घर बैठे यानी कि आप घर बैठे बैठे गाड़ी का इंजन स्टार्ट या ऑफ़ कर सकते हैं
आपके जाने से पहले कहीं भी आप कुछ मिनट पहले एसी ऑन कर सकते हैं, आप अपनी गाड़ी को ट्रैक कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे इसमें नए फीचर्स हैं जो कि हम ऑलरेडी क्रेटा जैसी गाड़ी में देखते आए हैं, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। साथ ही साथ अगर इसके आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो ये एक फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है और इसका काफ़ी एक अच्छा डिज़ाइन दिया गया है। रीड आउट इसका काफ़ी सिंपल है, तो कोई भी इंफॉर्मेशन देखने में किसी भी तरह का कन्फ्यूजन नहीं पैदा होता है। एक अच्छी चीज़ यहाँ पे ये है कि जो MID स्क्रीन का सेंट्रल डिजिटल डिस्प्ले है उसमें आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी आप ऑप्ट कर सकते हैं, जिसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप बहुत ही ज़्यादा हैवी ट्रैफिक में चला रहे होते हैं तो रोड पे से नज़र हटाना काफ़ी टाइम रिस्की हो सकता है, और वो अब आपको नहीं करना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्शंस देखने के लिए आपको यहाँ पे स्क्रीन देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको वो डायरेक्शंस यहीं पे मिल जाएंगे, यानी कि आपकी लाइन ऑफ साइट गाड़ी चलाते हुए हमेशा बरकरार रहेगी। और साथ ही साथ गाड़ी के अंदर बैठ के जो आपको विजिबिलिटी मिलती है ऑलराउंड, वो भी काफ़ी बढ़िया है। जनरली हम देखते हैं कि जो स्पोर्टी डिज़ाइन वाली गाड़ियाँ होती हैं उनमें विजिबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, लेकिन i20 में ऐसा नहीं है। और इसका मतलब ये है कि अगर आप एक्सपीरियंस ड्राइवर नहीं भी हैं तो भी आपको ये गाड़ी चलाने में खास दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपको हर तरफ से बहुत बढ़िया विजिबिलिटी मिलती है। साथ ही साथ कैबिन के अंदर स्टोरेज स्पेसेस काफ़ी सारी आपको यहाँ पे मिलती हैं, तो आप काफ़ी सारा अपना सामान ईजिली स्टोर कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत ही एक नीटली डिज़ाइन यहाँ पे आपको HVAC कंट्रोल सिस्टम मिलता है, और उसके नीचे आपको एक सेगमेंट फर्स्ट वायरलेस चार्जिंग पैड मिलता है, जिसमें नया फीचर ये है कि ये एक कूलिंग फंक्शन के साथ आता है, क्योंकि कई बार हमारे फ़ोन्स चार्ज होते होते हीट हो जाते हैं, तो उस केस में ये आपके फ़ोन को कूल भी करेगा जिससे कि अनवांटेड हीटिंग या डैमेज ना हो। उसके अलावा अगर सीट्स की बात करें तो सीट्स इसकी काफ़ी अच्छी हैं। अब ये टर्बो पेट्रोल वेरिएंट है, तो यहाँ पे आपको ये रेड स्टिचिंग और रेड पाइपिंग देखने को मिल रही है जो दूसरे वेरिएंट्स में आपको नहीं मिलेगी, लेकिन सीट या जो ओवरऑल इंटीरियर्स का कलर है वो ब्लैक ही रहेगा, यानी कि एक स्पोर्टी इफेक्ट अक्रॉस द वेरिएंट रेंज आपको इसमें मिलेगा। यहाँ पे आपको एक इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड सनरूफ भी दिया जाता है, और अगर आप उसके अलावा इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है, फिट एंड फिनिश क्वालिटी आप देखेंगे, कहीं पे भी जो इसका प्लास्टिक क्वालिटी है गाड़ी के अंदर वो काफ़ी टॉप नॉच है और अपने सेगमेंट में वन ऑफ द बेस्ट है। तो अगर हुंडई कह रही है कि नई i20 अपने सेगमेंट में सबसे प्रीमियम गाड़ी होगी, हमें कोई रीज़न नहीं दिखता कि क्यों नहीं होगी। हाल फिलहाल सारी चीज़ें देख के लगता तो है कि इस सेगमेंट में और कोई गाड़ी नहीं है जिसमें इतने प्रीमियम फीचर्स और ऐसा डिज़ाइन हो। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये ऑल न्यू i20 अपने पुराने मॉडल से व्हील बेस जहाँ तक की बात करें वो उसका ज़्यादा है, उस कारण से आपको यहाँ पे बैठते ही स्पेस भी पुरानी i20 से ज़्यादा मिलता है। तो उसके रिज़ल्ट है कि आप देखेंगे ड्राइवर सीट मैंने अपने ड्राइविंग प्रेफरेंस के हिसाब से एडजस्ट करी है, 5 फीट 8 इंच मेरी हाइट है और इसके बावजूद मेरे पास काफ़ी लेग रूम है। उसके अलावा मेरे पास यहाँ पे अपने ड्राइवर सीट के नीचे पैर स्लाइड करने के लिए भी काफ़ी जगह है और हेडरूम भी काफ़ी है यहाँ, इसके बावजूद कि एक स्पोर्टी कार है। यूजुअली स्पोर्टी कार्स में हेडरूम कॉम्प्रोमाइज़ होता है पीछे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। तो अगर आप हाइट में मुझसे भी लंबे हैं तो आपको स्पेस के मामले में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इस गाड़ी में। उसके अलावा अगर आप सीट की बात करें तो सीट इसकी काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी अच्छी सीट है और इसमें जेन्युइनली 3 लोग बैठ सकते हैं। उसका कारण ये है कि यहाँ पे ट्रांसमिशन टनल की हाइट काफ़ी लो है और साथ ही साथ सीट का डिज़ाइन जो है वो कम्प्लीटली फ्लैट है, तो उस कारण से जो मिडिल ऑक्यूपेंट होगा उसके लिए कोई डिसकंफर्ट यहाँ पे नहीं है। उसके साथ आपको जो शोल्डर स्पेस है यहाँ पे सीट में वो भी काफ़ी अच्छा है, तो 3 लोग अगर अडल्ट्स यहाँ पे बैठते हैं तो कोई खास डिसकंफर्ट नहीं होगा और आप यहाँ पे आराम से 3 लोगों को ले जा सकते हैं। उसके अलावा अगर सीट की आप अंडर थाई सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे अंडर थाई सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है और इस सेगमेंट में काफ़ी ऐसी गाड़ियाँ हैं जिसमें अंडर थाई सपोर्ट इससे कम है, लेकिन यहाँ पे ये ज़्यादातर लोगों के लिए एडिक्वेट होना चाहिए।
और उसके अगर आप एडिशनल फीचर्स की बात करें तो आपको यहाँ पे रेयर एसी वेंट्स मिलते हैं, एक यूएसबी पॉइंट मिलता है, साथ ही साथ आपको एयर प्योरीफायर भी मिलता है ड्राइवर आर्मरेस्ट के आगे, और ये इंश्योर करता है कि बाहर की पोल्यूशन यानी कि एयर में जो पोल्यूशन है वो अंदर नहीं आए और कैबिन के अंदर का जो वातावरण है, जो एयर है, वो एकदम क्लीन एंड हेल्दी रहे। उसके अलावा रेयर सीट में आपको यहाँ पे एक कुशन्ड आर्मरेस्ट भी मिलता है। अब थोड़ा सरप्राइजिंग है, इस आर्मरेस्ट में डुअल कप होल्डर्स नहीं है, जो कि मेरे ख्याल से कुछ एक एक्सपेंसिव ऑप्शन भी नहीं है इंटीग्रेट करना, लेकिन खैर अब नहीं है, हो सकता है बाद में आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे आपको एडजस्टेबल ये हेडरेस्ट मिलते हैं, ये भी काफ़ी कंफर्टेबल है, और साथ ही साथ अगर ये आप सीट की बात करें तो फ्लेक्सिबल सीट है, आप इसको स्प्लिट करके फोल्ड डाउन भी कर सकते हैं, यानी कि अगर आपको रेगुलर बूट स्पेस से ज़्यादा स्पेस चाहिए हो तो आप इजीली अपने लिए एक्स्ट्रा स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। अब जहाँ की Hyundai i20 शुरुआत से काफ़ी चीज़ों में अपने सेगमेंट में लीडर रही है, एक क्वालिटी जो इसके लिए i20 कभी भी नहीं मानी गई है वो है परफॉर्मेंस, लेकिन ऑल न्यू i20 के साथ Hyundai शायद इस चीज़ को चेंज कर दे, क्योंकि ऑल न्यू i20 आएगा अब ये एक टर्बो GDI इंजन के साथ, यानी कि 1 लीटर टर्बो इंजन, 120 PS की ताकत आपको मिलेगी इस इंजन में, यानी कि i20 अब एक प्रॉपर हॉट हैचबैक आप इसे कह सकते हैं। अब ये चलाने में कैसी है ये तो हम आपको अभी नहीं बता पाएंगे क्योंकि हमने गाड़ी चलाई नहीं है, लेकिन पेपर पे ज़रूर लगता है कि Hyundai ने इस गाड़ी के साथ i20 जो कभी भी एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड पैकेज नहीं रहा है फाइनली इस इशू को रिजॉल्व कर दिया है। इसके साथ आपको गेयरबॉक्स ऑप्शन में 7-speed डुअल क्लच ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता है और साथ ही साथ IMT का ऑप्शन भी मिलता है जो हमने रिसेंटली वेन्यू में डेब्यू होते हुए देखा था। तो यहाँ पे आपको दोनों चीज़ें मिलती हैं, अगर आपको मैनुअली अपना गेयरबॉक्स कंट्रोल करना है या फिर आप ऑटोमेटिक चाहते हो, क्विक शिफ्ट, दोनों ऑप्शन इंजन के हिसाब से आपको दिए जाते हैं। साथ ही साथ आपको एक दूसरा पेट्रोल इंजन भी दिया जाता है जो कि Hyundai का 1.2 लीटर का इंजन है। यहाँ पर आपको IVT यानी कि जो एक CVT टेक्नोलॉजी है वो मिलेगी और साथ में मैनुअल गेयरबॉक्स। और जो लोग डीजल पसंद करते हैं आपके लिए यहाँ पे i20 में बहुत ही बढ़िया 1.5 लीटर का टॉर्की डीजल इंजन होगा। यहाँ पे आपको 100 PS की ताकत मिलेगी और गेयरबॉक्स के मामले में यहाँ पे आपको सिर्फ एक मैनुअल गेयरबॉक्स मिलेगा। हाल फिलहाल कोई ऑटोमेटिक अनाउंसमेंट नहीं किया है Hyundai ने, लेकिन मेरी उम्मीद है कि शायद आगे आने वाले टाइम में डीजल के साथ भी Hyundai ऑटोमेटिक ऑफर करेगी। तो अब हम आपको अभी इस स्टेज तक ऑल न्यू i20 के बारे में सारी डिटेल्स बता चुके हैं, चाहे इसके डिज़ाइन की आप बात करें, अंदर इसके स्पेस की बात करें, इसके अंदर सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स की बात करें या बात हो कनेक्टिविटी की, सभी मामलों में i20 पेपर पे अपने कंपटीशन से काफ़ी आगे नज़र आती है और ये Hyundai के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो सकता है इस सेगमेंट में। जो एक बड़ी चीज़ खासकर मेरे लिए चेंज हुई है इस गाड़ी में वो ये है कि i20 शुरुआत से कभी भी एक परफॉर्मेंस के लिए जानने वाली गाड़ी नहीं रही है, लेकिन अब फाइनली टर्बो पेट्रोल इंजन के बाद शायद वो भी चेंज हो जाए, लेकिन गाड़ी हमने अभी चलाई नहीं है, वो हम जल्दी चलाएंगे और तब हम बताएंगे कि एक्चुअली में जो जो चीज़ें पेपर पे बताई गई हैं वो रियल वर्ल्ड में या फिर रोड एनवायरनमेंट में किस तरह काम आती हैं और क्या अच्छा है और क्या बुरा है। और इसके अलावा लास्ट चीज़ जो रह जाती है जानने के लिए वो है प्राइजेस। जिस टाइम तक आप ये वीडियो देखेंगे प्राइजेस भी बाहर होंगे और अगर Hyundai इसे कंपेरेटिवली प्राइस कर पाए, और कंपेरेटिव से मेरा मतलब लो प्राइसिंग नहीं है सेगमेंट में, अगर अच्छा वैल्यू फॉर मनी क्वोशेंट Hyundai ऑफर कर पाती है ऑल न्यू i20 में, मुझे नहीं लगता कोई रीज़न होगा कि क्यों ये ऑल न्यू i20 पुराने मॉडल्स की तरह फिर से एक बहुत बड़ी सक्सेस क्यों नहीं बन सकती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाएं और साथ ही साथ बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि आप एक्सप्रेस ड्राइव्स की आने वाली सभी वीडियो से अपडेटेड रहें।